Hello friends, welcome to Guju IT channel. Today we are talk about how to install Windows 10 in your laptop. So guys, let's check it out. So guys, सबसे पहले आपको Get Into PC नाम की वेबसाइट में से आपको ये ISO डाउनलोड करनी है फाइल. उसके बाद आपको बूटेबल बनाना है अपनी पेन ड्राइव में. सो मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक आपके लिए रख दूंगा, आप इसमें से डाउनलोड कर सकते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 7, 8.1 और 10, ये सारे के सारे विंडोज 64 बिट में यहाँ पे आपको मिल जाएगा. आपको इसे डाउनलोड करना होगा. मैंने ये पहले से ही डाउनलोड कर ली है और इसे मैंने अपनी पेन ड्राइव में बूटेबल भी बना दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे. सो चलिए अब देखते हैं विंडोज 10 को इंस्टॉल कैसे करना है अपने पीसी में और लैपटॉप में. सो गाइज, अभी आपको लैपटॉप आपका शुरू करना है और उसके बाद आपके लैपटॉप में जो भी फंक्शन की हो उसे आपको प्रेस करना है. मेरे लैपटॉप में यहाँ F12 है, इसलिए मैं F12 पर प्रेस कर रहा हूँ. जैसे ही आप F12 दबाएंगे यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा. यहाँ पे आपको USB HDD नाम का ऑप्शन आपको क्लिक करना है और इसे एंटर कीजिए. और यहाँ पे आपको प्रेस यानी कि आपको दोबारा किसी बटन को प्रेस करना है अपने कीबोर्ड में से. अभी ये थोड़ा लोड लेगा, उसके बाद ये शुरू हो जाएगा. अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए जाएंगे. यहाँ पे आपको इंग्लिश नाम की लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन प्रेस करना है और उसके बाद इंस्टॉल नाउ. जैसे इंस्टॉल नाउ करेंगे यहाँ पे सेटअप इज स्टार्टिंग, यहाँ की स्टार्टेड मोड में आ जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई दे रहे, लेकिन हमें इंस्टॉल करना है विंडोज 10. तो आपको यहाँ पे स्क्रॉलिंग डाउन कीजिए और यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज 10 प्रो रिटेल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है क्योंकि इसमें सारे के सारे फीचर्स आपको लेटेस्ट मिलेंगे. सो आपको इसे सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है. जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया होगा आपने, तो यहाँ पे आपको ये नई विंडो दिखाई दे रही है. यहाँ पे आपको एक्सेप्ट दिस लाइसेंस टर्म्स एंड कंडीशन आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है. उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टम ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और उसके बाद आप कोई भी ड्राइव में डालना चाहते हैं विंडोज 10 वो ड्राइव आप सिलेक्ट कीजिए. यहाँ पे हमें इस ड्राइव में इंस्टॉल करना है, सो हमें पहले इसे फॉर्मेट करते हैं. अब देख सकते हैं ड्राइव फॉर्मेट हो रही है, तो ये थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा. ये देखिए ड्राइव हो गए, या आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब देख सकते हैं यहाँ पे सेम टू सेम ड्राइव हो गए. इसके बाद आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है. उसके बाद आपको ये सारे के सारे प्रोसेस जब तक 100% हो जाए तब तक आपको वेट करना है. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया है, तो अभी हमें थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ेगा. फ्रेंड्स, आप यहां पे देख रहे हैं ये सारे के सारे 100% हो रहे हैं. ये कम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको वेट करना पड़ेगा, ये इंस्टॉल होने में इतनी देर लग सकती है. आप देख सकते हैं अभी वो सारे के सारे स्टेप कंप्लीट हो गए. अब ये अपने आप ही रिस्टार्ट हो रहा है, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, ये रिस्टार्ट हो रहा है. तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे स्टार्टिंग सर्विस हो रही है, यानी कि हमारा विंडोज अब शुरू हो रहा है. तो हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये कंप्लीट होने में 2-3 मिनट लग सकती है. अभी भी यहाँ पे ये गेटिंग रेडी में ही चल रहा है. देख सकते हैं फ्रेंड, अभी ये जो प्रोसेस चल रही थी वो कंप्लीट हो गई, उसके बाद ये रिस्टार्ट हो रहा है. पर आप देख सकते हैं ये रिस्टार्ट हो गया है, अभी ये थोड़ी प्रोसेस और लेगा, आपको थोड़ी देर और वेट करना पड़ेगा. आप देख सकते हैं हमारा विंडो स्टार्ट हो गया है और ये जस्ट अ मोमेंट, ये थोड़ी देर टाइम लेगा, इसलिए आपको थोड़ी देर वेट करना होगा. आप देख सकते हैं अभी हमारा विंडोज शुरू हो रहा है. ये देख सकते हैं यहाँ पे कोर्टाना थोड़ी इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसे आपको देखना है. यहाँ पे आपको लैंग्वेज अभी आपको यहाँ पे आपका रीजन सिलेक्ट करना है. हमारा रीजन इंडिया है, इसलिए हम यहाँ पे इंडिया सिलेक्ट कर रहे हैं. आपका अगर कोई और हो तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे आपको यस बटन क्लिक करना है और ये फिर से प्रोसेस करेगा. और यहाँ पे आपको इंग्लिश इंडिया ये वाला सिलेक्ट करना है
उसके बाद तो इसे आपको स्किप करना है। और ये हमारी बेसिक जो थी इनको वो सब हो, अब हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं इसे, हमें नेट अभी कनेक्ट नहीं करवाना इसलिए। यहाँ पे आपको आपका नेम लिखना है जो भी आप चाहे वो, यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन क्लिक करना है। अभी हमें यहाँ पे पासवर्ड नहीं रखना इसलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको नो बटन पे क्लिक करके इसे नेक्स्ट करना है। और यहाँ पे आपको एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे आप नेक्स्ट में जाइए। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा विंडोज शुरू हो गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, यानी कि यह थोड़ी देर प्रोसेस में रहेगा इसलिए आपको टर्न ऑफ नहीं करना है और किसी भी कीबोर्ड की स्विच को आपको प्रेस नहीं करना है। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा विंडोज स्टार्ट हो गया है और ये इंस्टॉल हो गया है अब। सो ये गाइस ये है विंडोज 10 की लेटेस्ट अपडेट। So guys, if you like this video, then subscribe our channel. And please friends, like, comment and share this video. Thank you.